हाय फ्रेंड्स, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव CFA मार्कर टेक्निक के ऊपर। ये लेरी विलियम्स, नाथन हार्टमैन और फ्लेविया, इन्होंने 2010 के अंदर एक पेपर लिखा ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च मेथड्स के अंदर। ए स्टार का जर्नल है ये। इसके अंदर मेथड वेरिएंस एंड मार्कर वेरिएबल रिव्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव CFA मार्कर टेक्निक, इसमें कई सेक्शंस हैं इस पेपर में। पहले तो इन्होंने जितनी भी पुरानी स्टडीज़ हैं उन सबको रिव्यू किया, ख़ास तौर पे जो लिंडल 2001 की है स्टडी या रिचर्डसन 2009 की, उस पर काफ़ी डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया। सेकेंडली इन्होंने ये भी देखा कि लोगों ने क्या क्या, जब लोग कोरिलेशन मार्कर अप्रोच यूज़ करते हैं तब क्या मार्कर वेरिएबल लिए, और CFSM के साथ क्या मार्कर वेरिएबल लिए। फिर इन्होंने अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव CFA मार्कर टेक्निक को एक्सप्लेन किया है 3 फेजेस के अंदर। फिर इन्होंने कुछ और भी बातें बताई है कि मार्कर वेरिएबल कैसा होना चाहिए, एक हो या काफ़ी हो, और उनके बारे में। तो काफ़ी लंबा पेपर है ये और बहुत ही शानदार पेपर है। इसके पेपर पे चलें, इससे पहले एक बार क्विकली हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मार्कर वेरिएबल यूज़ किए हैं लोगों ने प्रीवियस स्टडीज़ में, जिसमें कोरिलेशन मार्कर अप्रोच यूज़ की है। तो वेरिएबल्स हैं लाइक हेल्प्ड विद अदर्स, हेल्प अदर एम्प्लॉयज़, या लार्ज सिटी, या ली हुई ने लिया मॉडर्निटी को, फाइनेंशियल गिविंग, सक्सेस विद ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट, एज इसको भी लिया हुआ है डेमोग्राफिक को, इफेक्टिव कंटिन्यूस कमिटमेंट को, एम्प्लॉय रिसीव सेफ्टी ओरिएंटेशन, फाइनेंशियल रेफरेंट, या हाइस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन को। जब अलग अलग स्टडीज जिन्होंने रेफर किया CFSM के साथ, उनके मार्कर थे ग्लोबल रीच, OCB, ट्रस्टिंग स्टैंड्स, इनइक्वलिटी, वर्क होम कन्फ्लिक्ट, सोशल डिजायरेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी, फेंटिसाइजिंग, टेन्योर एट फॉर्म, टेन्योर एट रिलेशनशिप, ये भी एक तरह के हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल जैसे हैं, सेटिस्फैक्शन विद लाइफ, या क्रिएटिव सेल्फ एफिकेसी, ये अलग अलग लिए हैं। तो जो ऑथर्स हैं उन्होंने दिखाया कि इनमें से ज़्यादातर ने कोई जो लिंडल की 5 स्टेप की प्रोसेस थी उनको यूज़ नहीं किया है। लोगों ने कोई ये नहीं दिखाया कि जो टेन्योर ऑफ द फर्म है ये क्यों मार्कर होना चाहिए, किस तरह से है ये, या आइडियल मार्कर की जो डेफिनेशंस हैं, कह रही है 2008 का पेपर है आइडियल मार्कर से पहले, पर इनमें ये मिसिंग थे इन चीज़ों में कि कैसे, मतलब किसको आप मार्कर वेरिएबल बोलेंगे। तो ऑथर्स ने अब यहाँ पे दी है एक कॉम्प्रिहेंसिव CFA मार्कर टेक्निक, और इसमें 5 स्टेप्स दिए हैं। एक्चुअली इसके 3 फेजेज हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मीडिएशन की अब प्रोसेस स्टेबलाइज हो चुकी है, स्टेप नंबर 1, 2, 3। तो इसमें हर चीज़ का इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। कैसे? सबसे पहले तो एक CFA मॉडल बनाइए जिसमें आप अप्रायरी मार्कर लेंगे। मार्कर आपके वो 3 चीज़ें होनी चाहिए, अप्रायरी होना चाहिए, सब्सटेंशियल वेरिएबल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और इसका फॉर्म कंटेंट बिल्कुल वैसे सब्सटेंशियल जैसे ही होने चाहिए यहाँ पे। तो आप इसको बना लीजिए, CFA का सिंपल मॉडल है। यहाँ पे मार्कर एज गुड एज एनी अदर कंस्ट्रक्ट, ऐसे ही बनाइए, इसे रन कर दीजिए, उनके पैरामीटर्स नोट कर लीजिए, ये काम आएंगे आगे। अब यहाँ से मॉडल शुरू होता है, बेसलाइन मॉडल। बेसलाइन मॉडल में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज आई हमारी फर्स्ट में मार्कर वेरिएबल की, कंस्ट्रक्ट की अपने स्टेटमेंट के साथ रिलेशन, उनके एरर टर्म्स का, इनका आर कितना है मार्कर वेरिएबल का हर एक से, इन सबको हम नोट कर लेंगे। अब हम कंस्ट्रेंट करते जाएंगे। बेसलाइन मॉडल में हम क्या करते हैं, इसको फोर्स करते हैं किसको, मार्कर वेरिएबल में, कि उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाए। यानी मार्कर वेरिएबल की अपने स्टेटमेंट से, एरर टर्म से, आर, 3 चीज़ें हम फिक्स कर लेते हैं इसकी, वो बेसलाइन है, इसके बेस पे हम कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट मॉडल सी, सी फॉर कंस्ट्रेंट्स। हर आइटम का अब हम क्या करते हैं, मार्कर से हर आइटम के ऊपर एरर रन करेंगे और उनकी सेम वैल्यू कर देंगे, ताकि हम ये चेक करें क्या जो मार्कर है उसका हर एक पे सेम इफेक्ट आता है या नहीं, दिस इज नॉन कॉन्जेनरिक, ये चेक करेंगे। फिर उनकी वैल्यू को हम फ्री कर देंगे, अनरिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये हो गया कॉन्जेनरिक। फाइनली मॉडल आर, आर है रेस्ट्रिक्ट। इसमें हम कोरिलेशन जो सबसे पहले स्टेप में निकला था उसको रिस्ट्रेन कर देंगे, और फिर हम दोबारा एक बार चेक करेंगे। अच्छा, चेक क्या करेंगे हर एक में, हर एक का हम मॉडल फिट को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि बेहतर हुआ कि नहीं। आइए, आई नो कुछ भी समझ नहीं आया होगा, तो हम आगे चलते हैं और एक एक को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक CFA बनाएंगे। तो मैंने अपना डाटा लिया जिसके अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी,
और सेटिस्फेक्शन में 4 स्टेटमेंट, लॉयल्टी में 4। तो मैंने एक सेटिस्फेक्शन को बना लिया, लॉयल्टी को बना लिया और मार्कर के अंदर तीन है मेरे पास, तीनों बना लिया एज गुड एज एनी अदर रूटीन एमोस के अंदर जो हम काम करते हैं सीएफए पे फर्स्ट ऑर्डर। इसको हमने रन कर दिया, रन करके ये वैल्यूज आ गई हमारी। अभी मैंने अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू ली हुई है, प्लीज नोट ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, अनस्टैंडर्डाइज। मैंने एक बार चेक कर लिया मैंने, हाँ जी अनस्टैंडर्डाइज 1.99 दिस दिस अनस्टैंडर्डाइज है, तभी तो ये 1.22 1.24 आ रहा है राइट। और ये क्या है, ये कोवेरियंस है। अब हमने ये चीज़ें नोट करनी है, एरर टर्म कितना है 0.2235, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी वैल्यू 1.99 1.16 और इनका 2110, ये सारे हम नोट कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया सीएफए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, बेस लाइन पे। बेस लाइन पे हम दो चीज़ करेंगे। तो बेस लाइन में सबसे पहले तो हम जो मॉडल था हमारा उसके अंदर कोरिलेशन बाकियों से फोर्स जीरो कर देंगे। तो आप इस पर डबल क्लिक करें, कोरिलेशन या कोवेरियंस बोल दीजिए, मैंने कोवेरियंस जीरो कर दिया इनका, तो कोरिलेशन भी जीरो ही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो फर्स्ट से आया था 1.99 1.16, ये भी फिक्स कर दिया, और इसी तरह एरर टर्म के जो वेरियंस थे वो भी मैंने फिक्स कर दिए हैं। इसको अब हम रन करेंगे। तो यहाँ तीन चीज़ बोली है ऑथर्स ने, मैंने दो ही दिखाई है। तीन चीज़ क्या है, कोरिलेशन इनको जीरो कर दीजिए, इसीलिए इसको बेस लाइन बोल रहे हैं। सेकेंड, इनकी वैल्यू फिक्स जो फर्स्ट से आई है वो लिख दीजिए। थर्ड, अगर मार्कर से हर एक के ऊपर मैं यहाँ एरो लगा दूँ, चार इस पे 8 एरो, उन सब के ऊपर डबल क्लिक करके जीरो लिख दीजिए, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा तो प्रैक्टिकली नहीं दिखाएं तो भी चलेगा, एक ही बात है वो। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसको हम बोलेंगे बेस लाइन। इसके कंपेरिजन में आगे हम सब चेंज करेंगे। अच्छा, एक बार बेस लाइन दोबारा देखते हैं। आइडियल मार्कर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, नंबर वन तो अप्रायरी हो या प्रायरी है, मैंने जब इनका डाटा कलेक्ट किया इसका भी डाटा कलेक्ट किया उसके साथ ही पहले से ही देख के, कैसा होता मार्कर वो मैंने अभी दिखाया, प्रीवियस स्टडीज ने क्या लिया है। अप्रायरी लीजिए, ये सारे लिकट पे हैं, ये भी लिकट पे हैं, ये 4 पॉइंट पे हैं, ये मैंने 3 पे ले लिया, मिलता जुलता बिल्कुल एक जैसा, और इसका बाकियों से रिलेशन नहीं होना चाहिए सब्सटेंशियल से, इसलिए मैंने इसको जीरो कर दिया। तो अब ये आइडियल मार्कर बन गया है। रिमेंबर जो रिचर्डसन था उन्होंने कहा था कि सीएफए मार्कर तब ठीक है जब वो आइडियल मार्कर हो, तो हमने पूरी कोशिश कर ली आइडियल मार्कर बनाने को, इनका रिलेशन जीरो कर दिया, अप्रायरी मेथड है, और जो हमारा फर्स्ट में रन किया वो जो वैल्यूज आई ना उस पर मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ताकि अब इसके ऊपर फर्क ना पड़े इनके जीरो करने से वगैरह से, ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। ये है मेरा बेस लाइन का। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट करना है। मैंने मार्कर से हर एक पैरो लगाई, अब मेरे पास तो यहाँ दो हैं, आपके पास हो सकता है 8 हो 10 हो, कंस्ट्रक्ट सब के ऊपर एरो लगेंगे यहाँ पे जितने भी हैं आपके, ठीक है। किस पे, सेकंड ऑर्डर अगर उस पे, तो नहीं हम इस पे सिंगल, मैं इसको जीरो ऑर्डर बोल रहा हूँ, कि अगर ये वाला है एक कंस्ट्रक्ट अपने स्टेटमेंट के साथ जो आप मेजर कर रहे हैं ना उस पे, सेकंड ऑर्डर वगैरह पे नहीं, जो आपने स्टेटमेंट मेजर की है उस पे एरो लगेंगे मार्कर से जितने भी होंगे, और सब पे डबल क्लिक करके आपको कोई भी एक नंबर लिख देना है। आप कुछ भी लिख दीजिए, एक्स लिखे, मैंने ए लिख दिया, इसका मतलब है अब हर एक की वैल्यू सेम ही होगी। ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन कॉन्जेनेटिक, सबका इक्वल इफेक्ट है, इसको चेक करेंगे हम। तो अब अगर मैं बेस लाइन से इस पे कंपेयर करूं, बेस लाइन में आप मान लीजिए ए था लेकिन इस ए की वैल्यू जीरो थी, यानी मार्कर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और अब है मार्कर का इन्फ्लुएंस है पर इक्वल है। इन दोनों को हम देखेंगे मॉडल फिट में, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है और कंस्ट्रेंट में इंप्रूव होता है तो हम बोलेंगे हाँ मार्कर का इफेक्ट या जो हमारा कॉमन मेथड बायस है उसका इफेक्ट सबके ऊपर है, और अगर यही आता है कि नहीं इफेक्ट तो बात ही खत्म, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हम चेक कर रहे हैं नॉन कॉन्जेनेटिक इक्वल पड़ता है। नेक्स्ट में इन सब ए को हम डिलीट कर देंगे और इसका नाम हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड, अब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब हम सी को और यू को चेक करेंगे, थर्ड और फोर्थ को, ये चेक करेगा कि क्या दोनों सब में इक्वल इफेक्ट आता है या अनइक्वल इफेक्ट आता है, तो कॉन्जेनेटिक और नॉन कॉन्जेनेटिक चेक हो जाएगा। लास्ट में हम जो बेस लाइन था उसको दोबारा बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे एक देखिए, ये वैल्यू जो फर्स्ट के अंदर था ना हमारा इनिशियल, वो हमने नोट किया था, हमने एक ये नोट किया था, ये नोट किया था और ये भी नोट किए थे आपस में इनके कितने हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं रेस्ट्रिक्ट, इसलिए क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखिए फ्रेंड्स, ये 2010 की अप्रोच है और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं 83 से, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो चुके हैं हम इस कंसेप्ट पे लोगों को काम करते। तो अब हम ये तो बात कर ही रहे हैं कॉन्जेनरिक क्या है, नॉन कॉन्जेनरिक क्या है, और काफ़ी स्टडीज अब ये बोलती हैं कि कॉन्जेनरिक इफेक्ट ही होता है जो हमारा
एक्सटर्नल जो भी फैक्टर है सब पे एक जैसा असर नहीं पड़ता, अलग अलग पड़ता है। ठीक है, फाइनली एक और असर कहाँ पड़ता है, इंडिविजुअल पे पड़ता है या इनके रिलेशन पे पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई चेक नहीं कर रहा था, ज्यादातर चेक कर रहे थे क्या आइटम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब सीएफए कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट टेक्निक बोलती है नहीं, आप ये भी चेक करो कि क्या इसके ऊपर फर्क पड़ा क्या, इसका पहले क्या था। पहले तो अगर हम प्रीवियस को देखें, इस मॉडल के अंदर यहां पे कुछ भी एक वैल्यू आएगी ना, अब उस वैल्यू को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया और दोनों का मैं मॉडल फिट चेक करूंगा और हम ये देखेंगे कि रेस्ट्रिक्ट करने से इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ ये चीज। तो बेसिकली अगर हम इसकी समरी देखें तो ये है हम जो करने वाले हैं। हम सबसे पहले बेस लाइन को चेक करेंगे, सीएफए को किसी से नहीं करें, हम बेस लाइन को चेक करेंगे मॉडल सी से। किस लिए चेक करेंगे, ये जैसे हम मीडिएशन में चेक करते हैं ना क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट है या नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। क्या हमारा मार्कर वेरिएबल का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ मार्कर वेरिएबल ऑन लोडिंग, अगर ये वैल्यू 0.05 से छोटी है तो मेथड बायस प्रेजेंट है, वरना बात ही खत्म, वरना तो आगे जाने ही नहीं, हमने मेथड बायस है ही नहीं, दैट्स अ गुड न्यूज। अगर छोटी है तो है, मेथड बायस तो है, फिर किस तरह का है, इक्वल है या अनइक्वल है, वो हम सी और यू को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा लेस है तो फिर ये दोनों अलग अलग हैं, और अगर हमारा ये इक्वल आता है, ग्रेटर देन, इसका मतलब है ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्ट है, तो फिर सी और यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इक्वली है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, तो मेरा आपको मशवरा रहेगा आप यू को ही लीजिए हमेशा, क्योंकि अगर इन दोनों में इफेक्ट है तो यू बेटर आता है तो यू को लें, अगर इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आता तो बात ही खत्म, फिर तो यू जो भी है कम ज़्यादा वो सी के बराबर ही है, तो यू को ले लीजिए आप। यू और आर को चेक हम करेंगे कि जो इफेक्ट है, ऊपर तो लोडिंग पे चेक किया ना हमने, अब चेक करेंगे क्या कोरिलेशन पे भी है, नल हाइपोथेसिस कोई नहीं है, इफेक्ट और 0.05 से छोटा है तो इफेक्ट है हमारा, ये चेक करेंगे हम, राइट। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगी, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले चेक किया मेथड वाइज है या नहीं, सेकंड पे चेक किया हमने अगर है तो कैसा है वो, कॉन्जेनिक या नॉन कॉन्जेनिक, इक्वल इफेक्ट पड़ता है सब पे मतलब सब कंस्ट्रक्ट्स पे, या इक्वल नहीं पड़ता है। थर्ड है अगर इफेक्ट पड़ता है और इक्वल है का अनइक्वल वट एवर, अभी बताइए कि स्ट्रक्चर जो रिलेशन है, जो कंस्ट्रक्ट के बीच में कोरिलेशन है, उस पे भी पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके बारे में भी बताइए। एंड दिस इज ऑल फेज नंबर वन, ये अभी हम करेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी के बारे में, तो रिलायबिलिटी ये बोलते हैं कि रिलायबिलिटी तो ये एक फार्मूला था हमारा जो सी आर का फार्मूला है, सम ऑफ फैक्टर लोडिंग स्क्वेयर डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यू प्लस सम ऑफ एरर वेरियंस, जो जोकस बर्ग 94 इन्होंने दिया था। पर इन्होंने कहा कि अब हम दो तरह से करेंगे, बेस लाइन मॉडल को लेंगे जो कि सेकेंड मॉडल था, उससे तो हम ये रिलायबिलिटी निकाल देंगे टोटल की, फिर हम क्या करेंगे जो मॉडल सी या यू जो भी आपका बेहतर है उसको लेकर, रेस्ट्रिक्टेड या अनरेस्ट्रिक्टेड वाला, उसको लेके फिर से निकालेंगे। लेकिन अब हमारे फॉर्मूला में थोड़ा फर्क आ गया है, मेथड जो फैक्टर है लोडिंग वो भी आ गई है इसमें डिनोमिनेटर के अंदर, यानी सम ऑफ सब्सटेंशियल जो मेन वेरिएबल है डिवाइडेड बाई इसी सेम वैल्यू स्क्वेयर प्लस सम ऑफ द मेथड लोडिंग, ये भी आ गया, और प्लस एरर वेरियंस, पिछले में सिर्फ एरर था अब यहाँ ये भी आ गया है, और उसकी हम सब्सटेंशियल के निकालेंगे और हम अपना मेथड के लिए निकालेंगे, मेथड वाले जो है ना दोनों के लिए निकाल देंगे अलग अलग। ओके, फिर हम ये देखेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ रिलायबिलिटी है टोटल में से, टोटल का ये है मेथड का इतना है, तो मेथड बायसनेस सेटिस्फेक्शन पे कितना प्रेजेंट है, लॉयल्टी पे कितना प्रेजेंट है, ये चेक करेंगे। थर्ड हम चेक करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस, और ये हमारा सिक्स्थ मॉडल रहेगा, मॉडल एस, एस फॉर सेंसिटिविटी। इसमें कैसे करते हैं, ये हूबहू सेम है सी या यू जैसा, लेकिन इसमें जो मार्कर वेरिएबल की फैक्टर लोडिंग है ना, जो मार्कर से आपके एरो जा रहे थे हर एक के ऊपर सबस्टेंशियल के ऊपर, उसकी वैल्यू हम रखेंगे। हम कितनी रखेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी सिंपल आएगी वैल्यू जब यू को हम रन करेंगे या सी को यू को रन करेंगे, उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेंगे बूटस्ट्रैपिंग से, और जो हाईएस्ट साइड की लेवल है वो खुद ही रेस्ट्रिक्ट करके फिर देखेंगे कितना फर्क पड़ा सेंसिटिविटी का, और फिर हम सारे एक बार चेक करेंगे कि जो भी कोरिलेशन थे, मेरे पास तो खैर एक ही सेट है यहाँ पे सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी, नहीं तो जितने भी पॉसिबल होंगे सबके हम देखेंगे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये बनेगा सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो बहुत डिटेल में इन्होंने अब सी एफ ए कॉम्प्रीहेंसिव दे दी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक सो फार, और यही आपको यूज़ करनी चाहिए, यानी जो पुरानी चलती थी मार्कर की
सिंपल, या हम करते थे पार्शियल कोरिलेशन कर दीजिए, या हमने कहा जी कोरिलेशन मार्कर, वो सारी, या CFA सिंपल, वो सारी वन वे और अदर नॉट फिट है. सो कॉम्प्रीहेंसिव CFA मार्कर अप्रोच इज वन ऑफ द बेस्ट सो फार एज ऑफ 2020. करते कैसे हैं एमोस में, और मैंने ये क्यों कहा इसको एमोस में ही कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. सो लेट्स स्टॉप हेयर. थैंक यू.